नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। आज सुबह 5 बजे न्यू फरक्का एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। न्यू फरक्का एक्सप्रेस दुर्घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ और वाराणसी से 2 NDRF की टीम पहुंच गई है। टीम ने राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। ये हादसा रायबरेली में बुधवार की सुबह हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की रिपोर्ट डीजीपी ओपी सिंह से मांगी है। हालांकि इस दुर्घटना को एक साजिश के तौर पे भी देखा जा रहा था, मगर ओपी सिंह ने इस हादसे को किसी भी तरह की साजिश से इनकार कर दिया है। वहीं घटना स्थल पर रायबरेली के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रेलवे के ADRM भी पहुंच गए हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन की डिब्बे पटरी से उछलकर दूर जाकर गिरे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपया मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।